पंजाबी स्टडी पॉइंट 63 जी वेख रहे सारे ही व्यूअर्स का इस चैनल ते एक बार फिर हार्दिक स्वागत। मैं अमरजीत कौर अगली वीडियो लैके आप जी सानू पेश हैगी हां ते इस वीडियो विच आपां पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर दे पंजाबी दे सिलेबस दी पाठ पुस्तक है काव सुमेल है, जिस दे विच 12 कवि ने ते आपां 7 कवि पढ़ चुके हैगे हां ते अज असीं 8वां कवि श्री सुरजीत पात्र जी दी पहली रचना कुछ कहा तां नूं वाचना है। इस दे प्रसंग दस के व्याख्या केंद्री भाव और इस नाल संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तरां की गल करनी हैगी है। तां गज़ल है यह कविता, तां इस दे विच कवि ने वर्तमान समय दे विच सियासी प्रबंध प्रति अपनी निराशा अते मनुख की बेबसी नूं प्रगटाया है कि वह बड़ा ही दुखी है। किसी भी पक्ष तो जिहड़ा है आधुनिक जिहड़ा है समय दे विच संतुष्ट नहीं हैगा। तां कवि की कहता है कि देखिए, कुछ कहा तां हनेरा जरेगा किवें, चुप रहा तां शमादान की कहणगे। हुण इत्थे जिहड़ी है गल कीती है दो चीज़ां ने, एक तां है हनेरा, एक है शमादान। मेन चीज़ इहदे विच की हैगी आ वी आपां हमेशा ही देखदे हैगे हां, चाहे तां इतिहास पढ़ लीए जां कुछ भी पढ़ लीए, तां उहदे विच हरेक समाज दे विच दो ताकतां विचरनियां ने, एक जोकां दा एक लोकां दा। अमृता प्रीतम ने कविता लिखी है भी दो धड़ियां विच धरती वंडी, एक लोकां दा एक जोकां दा। भाव जिहड़ी आम प्रजा है वह लोक ने ते जोकां जिन्हां दा पैसे उत्ते चाहे सियासी प्रबंध उत्ते चाहे किसी भी तरीके दे नाल कब्जा हैगा ते ओह आम लोकां नूं जोकां वांग चूसदे है, इन्हां दा खून चूसदे हैगे ने। तां हुण जिहड़ा इत्थे की कीती है गल, कुछ कहा तां हनेरा जरेगा। हजे हनेरे तो भाव की है, वो राजनीतिक शक्तियाँ जिहड़ियां चाहुंदियां ने कि प्रजा जां लोक उन्हां दियां जोड़े गलत फैसले ने, लोकां दे नाल अन्याय करन वालियां गल्लां ने, उन्हां दे खिलाफ कदे ना बोलण। उसनूं हनेरा कहा गया है कि लोक अग्यानी बने रहण ते साडीआं जिहड़ियां गलत गल्लां हैगीआं ने उहदे प्रति कदे भी जागरूक ना होण, तां उहनूं हनेरा कहा गया है। ते शमादान का मतलब की है ज्ञान, भाव वो लोग जिहड़े जागृत हो गए ने जिन्हों पता है कि असलीयत की है। हुण दोनों का कंपैरिजन हैगा। तां कवि की कहना है, कुछ कहा तां हनेरा जरेगा कौन, भी जेकर इस वर्तमान प्रबंध के खिलाफ मैं आवाज़ उठाई तां फिर हनेरे दियां शक्तियां मैनू सहन नहीं करनगियां। जरेगा जरना हुंदा सहन करना, सहन किवें करनगियां, भाव हमेशा तो आपां देखिया हैगा कि फिर उसनूं हुकूमत दबा दिंदी है जेकर उन्हां दे खिलाफ कोई गल उठदी हैगी आ। चुप रहा तां शमादान की कहणगे। तां लेखक दूसरी ऑप्शन दिंदा है कि भी कि जेकर मैं इस जिहड़ा है जुल्म दे खिलाफ कुछ ना बोलिया, चुप रहा, तां फिर शमादान की कहणगे। ज्ञानवान लोग की कहणगे, जागृत लोग की कहणगे भी ये भी चुप करके बैठ गया, भी इसने भी जिहड़ी है आम लोगों की गल नहीं की। तां इस समय जिहड़ा लेखक है कवि है वो निराशा की प्रवृत्ति दे विच कह रहा है, दोनों पासे मैं जिहड़ा है विच विचाले पिस रहा हैगा, भी एक पासे मैनूं हुकूमत का डर भी है तो एक पासे मैं लोगों की गल करनी भी चाहता हैगा, तो जे करदा है तो हुकूमत का डर है, जे नहीं करदा तां मैनूं जागृत लोग की कहणगे, मेरे बारे गल्लां करनगे, भाव मैनूं चंगा नहीं कहणगे। गीत दी मौत इस रात जे हो गई, मेरा जीना मेरे यार किंज सहणगे। तां कवि कहंदा भी मैं गीत लिखदा हैगा ते जे मैं जुल्म दे खिलाफ लिखण वाला गीत उसकी जेकर मौत हो गई, जे मैं ना लिखिया, मेरा जीना मेरे यार किंज सहणगे। फिर मेरे दोस्त जेड़े मेरे तो उम्मीदां ला के बैठे ने कि मैं जुल्म दे खिलाफ जरूर गीत लिखांगा, ओह मेरे जीवन नूं किवें चंगा समझणगे, ओह मेरा जीवना किवें सह लैणगे, उन्हां नूं चंगा नहीं लगेगा। इस अदालत च बंदे बिरख हो गए, फैसले सुनदियां सुनदियां सुक गए। हुण अदालत की है, साडा न्यायपालिका। तो आप जानते हैं भी लोकतंत्र की गल है करिए जे तो वो जिहड़े हैगी आ भी संसद है, विधान पालिका है, कार्यपालिका है, फिर तीसरा थंम की है न्यायपालिका। तो कार्यपालिका जिहड़ी हैगी आ सॉरी विधान पालिका कानून बनाउंदी है, कार्यपालिका उसनूं लागू करदी आ, अते जिहड़ा फिर न्यायपालिका है उसनूं जिहड़ा हैगा उहदे मतलब उन्हां कानूनां दे विच जदों कोई गलत मतलब उहदे खिलाफ गल हुंदी हैगी तां उसनूं फिर उहदी मतलब पालना करवाउंदी हैगी, ठीक है, न्याय करदी हैगी आ। तां हुण इत्थे गल कीती आ अदालत दी। हुण अदालतां दे विच कम जो हो रहा है, बहुत ही फैसले लंपदे ने, सालां बद्धी लोग जिहड़े हैगे ने अपना जिहड़ी एप्लीकेशन दिंदे हैगे ने, उड़ीकी जांदे हैगे ने, ते उहदा जिहड़ा छेती छेती फैसला नहीं हुंदा। ते जिवें आम कहा जांदा भी जिहड़ी हैगी आ भी मुकदमे दो तरह दे हुंदे ने, दीवानी ते फौजदारी, है ना। फौजदारी किहड़े हुंदे ने, जिहदे विच कोई कतल दी गल हो गई, कोई मार मतलब इस तरह की गल हो गई होवे। ते जेकर दीवानी हुंदी आ बई जायदाद जमीन दे नाल संबंधित, है ना। ते दीवानी बारे लोग की कहंदे ने भी दीवानी तां फिर दमा नाले खत्म हुंदी है, मतलब मुंडे दे बंदा मुक्क जांदा पर उहदा मुकदमा खत्म नहीं हुंदा। ते इस तों इलावा यह भी कहा जांदा भी मुकदमा ते जहमत किसी दे घर ना आवे, है ना। तां हुण उहदे बारे कवि जिहड़ा है अपने विचार दसदा की कहंदा भी साडी अदालतां की काम करदियां ने। इस अदालत च बंदे बिरख हो गए। बिरख होना की हुंदा भी स्टिल स्थिर हो गए, भी जिमें आम तौर पर देखिए भी रुखों की उम्र बहुत लंबी होंगी, है ना, खड़े रहते हैं बहुत सालों तक। तो इस तरह कभी कहता है कि इस अदालत विच लोग अपने जिहड़े नाल होए अन्याय दा जिहड़ा फैसला सुनन दे लई उड़ीकदे उड़ीकदे बिरख हो गए ने, फैसले सुनदियां सुनदियां सुक पए। ते अपना फैसला सुनन दी जिहड़ी है उड़ीक दे विच सुक गए ने, जिवें दरख्त सुक जांदे ने, भाव उन्हां दी उड़ीक पूरी नहीं हुंदी, तरीकां ते तरीकां पई जांदियां ने, फैसला हुंदा नहीं। आखो इन्हां नूं जिहड़े घरी जाण हुण तां इह कदों ती कि इत्थे खड़े रहणगे। तां कवि उन्हां नूं सलाह दिंदा है भी इन्हां लोकां नूं जिहड़े अदालत दे विच अपने नाल होए अन्याय दा फैसला सुनन दे लई खड़े ने, इन्हां नूं कह दवो कि इह अपने घरां नूं चले जाण। इह इस अदालत विच रुखां दी तरह अपने फैसले दा दी उड़ीक विच किन्नी कि देर खड़े रहणगे, भी किन्नी कि उड़ीक होर कर सकदे ने। यार मेरे जो इस आस्ते मर गए कि मैं उन्हां दे दुखां दा बनावांगा गीत, जे मैं चुप ही रहा जे मैं कुछ ना कहा, बन के रूहां सदा भटकदे रहणगे। तीसरे पैरे विच फिर की कहा हैगा बई आम तौर पर आप देखते हैं भी कोई भी जिहड़ी हुकूमत है जुल्म करती है, भाव उन्हां दे खिलाफ जिहड़ी है उन्हां दे अन्याय दे खिलाफ जिहड़ी आवाज़ उठदी हैगी आ, फिर उहदा माड़ा हाल हुंदा। जिवें आपां चलो एक सिंपल उदाहरण लैंदे आ भी अंग्रेज़ां दा राज सीगा भारत विच, तां फिर आज़ादी दी लड़ाई दे विच किन्ने जिहड़े लोक ने उन्हां ने अपना बलिदान दित्ता, है ना, उन्हां ने आवाज़ चक्की ते फिर उन्हां दी आवाज़ नूं जिहड़ा है खत्म कर दिता गया, है ना, बलिदान दिता गया, उन्होंने जिहड़ा है लोगों ने बहुत बलिदान दिते तां आज़ादी प्राप्त हुई हैगी आ। तां हुण कवि की कहता है यार मेरे जो इस आस्ते मर गया। तो इस तरह कहता भी मेरे वो दोस्त जेड़े इस उम्मीद ते जिहड़ा हैगा इस अन्याय दी लड़ाई दे लई मर गए, अपना आप उन्होंने कुर्बान कर दिता कि मैं उन्हां दे दुखां दा बनावांगा गीत। उन्हां नूं इस गल दी उम्मीद सीगी कि ओह जो दुख उन्हां ने सहन कीते न्याय प्राप्त करन दे लई, उन्हां दुखां दे गीत कवि जरूर बनावेगा, भाव दे खिलाफ जरूर बोलेगा। हुण इस लई कहा जांदा वी कलम दी जिहड़ी आवाज़ है वह तलवार नालों भी ताकतवर हुंदी है, क्योंकि तलवार एक बार मार दिंदी है बंदे नूं, ते कलम दे विच इन्नी कुछ शक्ति हुंदी हैगी आ कि मनुख दे विचार बदल के उसका जिहड़ा जीवन का कायाकल्प कर दिंदी हैगी आ। तां कवि नूं लगदा है भी उसके दोस्तां ने कुर्बानी दित्ती ते उन्हां नूं उम्मीद सीगी कि ओह उन्हां दे दुखां दे गीत बना के जरूर ही पेश करेगा। जे मैं चुप ही रहा जे मैं कुछ ना कहा, बन के रूहां सदा भटकदे रहणगे। ते कवि नूं इस गल दा फिकर है भी जेकर फिर मैं हुण इस अवस्था दे विच उन्हां बारे कोई भी गल ना कीती, जे मैं चुप करके बैठ गया हुकूमत तो डरदे आ, जुल्म तो डरदे आ, तां फिर ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਭਟਕਣਗੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਾਸਦੀਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ विषय नूं छूया है। हुण इस विषय बारे जे आपां गल करिए भी जिस समय ये गीत लिखिया गया होगा, ये गज़ल लिखी गई होगी, उस समय तो आलम हो रही होना, तो जो हुण हो रहा जिस के 2023 की गल करिए तो हुण तां जे असी देखिए तो बहुत लोग पंजाब दे विच तां खास तौर पर बहुत ही नौजवान ने जिहड़े ओह विदेशां च जा रहे हैं, तो उन्हां नूं रोज़गार नहीं लभ रहा जां जो भी कोई भी कारण हैगा, तो फिर वह विदेशों के विच जाण दे लई मजबूर ने, अपनी इच्छा नाल समझ लो या मजबूरी बस समझ लो। तो फिर कवि कहता भी जोड़े लोग विदेशों चले जाते हैं फिर उन्हों का की जोड़ा है अपने देश प्रति उन्होंने की भावना होगी, की हो जाना उन्होंने नाल। की कहता जो विदेशों च रुलते हैं रोटी लई, ओह लोग ओह भारती लोग जोड़े अपने रोज़गार के लिए विदेशों विच रुल रहे हैं, चले गए हैं, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਤ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੇਕਣਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਦੀ ਅਗਨ, ਬਾਕੀ ਕਵਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਜਾ ਪੈਣ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। कहना उन्हां विचों कुछ तां जिहड़े हैगे ने अपने माता दे सिवे दी अगन नूं सेकणगे जां फिर अपने पिता दी कबर दे उत्ते लगे जिहड़े रुख ने उन्हां दी छां ते थल्ले जाके बह जाणगे, भाव उन्हां नूं अपना कोई भी नहीं मिलेगा। कि इह इंसाफ हौमे दे पुत्त करनगे कि यह खामोश पत्थर के बुत करनगे। तां हुण अगले पैरे दे विच कवि ने जिहड़ा है लिखिया हैगा भी जिहड़े आम तौर पर बंदा कोई भी होवे कहंदा कुर्सी बंदे दी जिहड़ी हैगी तस्वीर बदल दिंदी है, कि जिहड़े हुक्मरान ने उन्हां दा सुभाव बदल जांदा हैगा। तां कि कहंदा है कि यह हौमे दे पुत्त ने जिहड़े हुक्मरान लोग ने इन्हां दे विच हौमे हंकार कुट कुट के भरिया होया है कि यह आम लोगों के नाल इंसाफ किवें कर सकते हैं, कि यह खामोश पत्थर दे बुत करनगे। तां उन्हां नूं लगदा है, कवि नूं लगदा है कि ये तां पत्थर दे बुत्तां वांग खामोश खड़े ने, ते इन्हां दे विचों भावनावां खत्म हो गई ने, दया दी तरस दी भावना खत्म हो गई है, तां ही आम लोगों की अवस्था दिनों दिन निगरती जा रही हैगी। इन्हां लोकां कोलों न्याय की उम्मीद रखना बहुत ही चंगी गल नहीं, भी न्याय की उम्मीद रखी नहीं जा सकती। जो सलीबां ते टंगे ने लथणे नहीं, राज बदलणगे सूरज चढ़न लहणगे। तां कवि कहंदा हैगा भी ਉਹ ਲੋਕ ਸਲੀਬਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਬਾਂ ਤੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜਨਗੇ ਲਹਿਣਗੇ, ਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਜਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। इसलिए जिहड़े सलीबां ते टंगे जा चुके लोग ने वो बेचारे मुड़ कदे भी इस जीवन विच नहीं आ सकते। अगे है अगला पैरा, ये जो रंगा ने चित्रे ने खुर जाणगे, ये जो मरमर चुकरे ने मिट जाणगे, बलदे हत्थां ने जिहड़े हवा च लिखे हरफ उही हमेशा लिखे रहणगे। हुण कवि ने अप्रोतक सारिया गल्लां दसदियां भी भाई हुक्मरान लोग क्यों करते हैं, अदालतों में लोग क्यों तड़फते हैं, जां विदेशों में बेचारे जिहड़े रोजी रोटी लई चले जाते हैं, फिर जदों ओह मुड़दे ने उन्हां दे परिवार का कोई मैंबर उन्हां नूं जिउंदा नहीं मिलदा है ना। तां फिर भी जिहड़ा है कवि कहता हैगा भी संसार का एक दस्तूर है ਬਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਖੁਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਵਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ बलदे हत्थां ने जिहड़े हवा विच लिखे हरफ उही हमेशा लिखे रहणगे। हरफ हुंदे ने शब्द। हुण बलदे हत्थां दा मतलब की है? अंदोलनकारी लोग, कि अंदोलन करन वाले लोग ने जिहड़े जिहड़े जुल्म दे खिलाफ बोलण वाले लोग ने, जिन्हां ने बलदे हत्थां दे नाल कोई हरफ लिखिया हैगा, ओह ही हमेशा इतिहास विच अमर रहंदे ने। जिवें आपां कहने भी शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, आपां उन्हां नूं याद करदे हैं ना शहीदां नूं, ते इस तरह जिहड़ा हैगा भी ओह ही इतिहास दे विच हमेशा लई अमर रह जांदे ने, जिहड़े किसी अंदोलन दे लई कुछ भी कर जांदे हैगे ने। अगला पैरा है, यह भी शायद मेरा वहम है कोई दीवा जगेगा मेरी कबर ते। हुण कवि इस निराशा के आलम दे विच कहता हैगा कि जो वापर रहा है उस समय मैनूं इउं लगता है कि मेरा वहम हैगा कि जदों मैं मर जावांगा कोई मेरियां गल्लां नूं याद करके मेरी कबर ते दीवा जगावेगा। कहंदा इह तां मेरा बड़ा वहम लगदा मैनूं। जे हवा इह रही कबरां उत्ते तां कि सब घरां 'च भी दीवे बुझे रहणगे। तो कभी की कहता हैगा भी जो जमाने की हवा चल रही है इस दे विच तां मेरा यह बहुत बड़ा वहम है कि मेरे मरे तो मैनू याद करके कोई मेरी कबर ते दीवा बालेगा। जेकर अजिहा ही समा चलता रहा मैनू तां इउं लगता है कि आने वाले समय दे विच लोकां दे घरां विच भी दीवे बुझ जाणगे, भाव भी जागदे नहीं रहणगे। तां तां सीगी कविता, सॉरी गज़ल, मैं फिर कविता कह सॉरी, कुछ कहा था है ना, जिसनों कई लोगों ने गाया भी है, बहुत मतलब सोझपूर्ण आवाज़ों के गाया होया है। तो चलो खैर अपने सिलेबस की गल हैगी, तो प्रसंग तो शायद लिखना आता ही है, कोई एड्डी गल नहीं हैगी। 9वीं क्लास तो आप लिखण लग जाने, तो प्रसंग असीं की लिख सकते हैं भी यह काव 17 साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक काव सुमेल दे विचों लईआं गईआं ने। तो इसनूं श्री सुरजीत पातर जी ने लिखिया, तो इस कविता दे विच उन्होंने वर्तमान समय की त्रासदी, भैड़ी जिहड़ी है राजनीतिक अवस्था ते मनुख की बेवसी नूं प्रगट करदे होए कुछ जिहड़ियां गल्लां बयान कीतियां हैगियां ने। फिर आपां उस लाइन दी व्याख्या लिख देवांगे। तो हुण इस तों इलावा इहदे केंद्री भाव ते कुछ प्रश्नां दे उत्तर आपां वाचदे हैगे। इस तों इलावा एक प्रश्न हैगा जिहड़ा तुहाडा कि कविता का विषय वस्तु की है। कुछ कहा तां हनेरा जरेगा, एक गज़ल हैगी है जो कि सुरजीत पात्र जी की लिखी हुई है। इस कवि ने वर्तमान सियासी हनेरगर्दी अते अन्याय दे युग विच मनुखी बेबसी अते निराशा नूं मुक्त कीता है। कवि कहता है कि जेकर उसने अपने गीत विच सच्ची गल कही तो अग्यानता फैलाउण वाली शक्तियां उसनूं बर्दाश्त नहीं करनगीआं, पर जेकर वह चुप रहा तो असलीयत का चानण फैलाउण वाले क्षमादान रूपी व्यक्ति उसनूं अपनी आलोचना का शिकार बनाउणगे। ते जेकर इस अग्यानता दे हनेरे का प्रसार करन वाली रात में उसके गीत की मौत हो गई तो उसके दोस्त उसकी इस कमजोरी नूं सहन नहीं कर सकणगे ते उसनूं अपनी आलोचना का शिकार बनाउणगे। कवि कहता है कि इस देश विच सियासी लोकां दी खुदगर्जियां दे कारण लोकां नूं न्याय नहीं मिलदा, उन्हां दी अदालत विच लोकां दे झगड़े लमकाए जांदे ने अते लोक अपने फैसलों की उड़ीक दे विच बिरशां वांग वस्तु बन जांदे ने ते लोक बुरी तरह सुक जांदे हैगे ने, उन्हां नूं इंसाफ नहीं दित्ता जांदा। ते उन्हां नूं कवि ने सुनेहा दित्ता है कि ओह इंसाफ की आस ला के चुप करके अपने घरां नूं चले जाण कवि कहता है कि वो दोस्त जो इस आस उत्ते जबर का सामना कर गए कि वह उन्होंने दुखों के गीत बना के दुनिया सामने पेश करेगा, जेकर उसने उन्होंने दुखों बारे कुछ ना कहा तो उन्होंने डर है कि उसके अजिहे दोस्त असंतुष्ट रूहां बन के सदा ही भटकते रहणगे। कवि कहता है कि उसके देशवासी जोड़े रोजी की खातर विदेशों के चले गए, वो जदों कभी देश परतणगे, कईयां दे परतियां नूं उन्हां दी माँ का सेवा वल रहा होगा, तो कई अपने मापियां दी कबरां उत्ते उगे रुखां हेठ बह के ही चले जाणगे। तां कवि कहता है कि साडे देश विच हंकारे होए सियासी लीडरां अते जबर जुल्म फैला रहे लोग ने जिहड़े खामोश पत्थर वर्गे ने, तो इन्हां तों इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो यह सारियां चालां सोच समझे कणी जांदियां ने। तो कहंदा जो इत्थे इंसाफ की उम्मीद कदों होगी, जदों राज बदलेगा तो अखीर सूरज दे लहण चढ़न वांग राज पलटा कदे तां कदे आवेगा ही। तो वर्तमान सियासी प्रबंध ने जो अपने नावां दे रंग दा चित्र उलीके ने वो मिट जाणगे, संगमरमर चुक अपने नावां दे जो पत्थर लाए ने वो भी जिहड़ा हैगा ना कायम नहीं रहने। तो जदों राज प्रबंध बदलिया तो फिर नवें लोक आगू अपने बल के हत्थों के विच जो अखर लिखणगे वो सदा कायम रहणगे। तो लोक हित भाव कहने का की है कि लोक हितकारी लोग ही अमर होंदे ने। तो कवि कहता है कि यह वहम है कि उसकी मौत पिछों उसकी कबर ते दीवा जगावेगा। उसनू लगता है कि जेकर समय की यो हवा रही तो घरां दे विच भी दीवे जगते नहीं रहने। तो इसका केंद्री भाव की है, साडे देश विच फैली सियासी हनेरगर्दी अते अन्याय दे युग दे विच मनुख बहुत ही बेबसी निराशता अते विषाद का जीवन जिउं रहा हैगा। उस अदालतों में उसके फैसलों का उसके जोड़े मुकदमे ने उन्होंने फैसले लटकाए जाते हैं, वो करुखा की तरह स्टिल होके उड़ीक रहा हैगा। इस तो इलावा विदेशों लोग रुलते हैं, तो वह रोजी रोटी के लिए उत्थे ही तड़फते रहते हैं। तो जदों कदे वापस आते हैं तो वह अपने दियां कबरां जां सिवे ही वेखते हैं, भाव अपने जिउंदे नहीं वेखते। तो इस तो इलावा उन्हां दे नाल जिहड़ा है हुकमरान पार्टी वल्लों अन्याय हुंदा हैगा, जिस दे खिलाफ लोग कुर्बान भी हो जाते हैं। तो कवि जेकर कहता है भी मैं गीत ना बनाए तो फिर वो रूहां वट के बन के भटक जाएंगे, इसलिए वह अजिहे गीत लिखण नूं तरजीह दिंदा है। तो इस गज़ल दे विच कवि ने जिहड़ा हैगा सारे पासे फैली हुई जिहड़ी हैगी आ इस विषाद भरी अवस्था का वर्णन किया गया है। तो अगला प्रश्न, कवि ने हनेरा किसनूं कहा है? अगिआनता दा हनेरा फैलाउण वाले सियासी प्रबंध नूं कवि ने शमादान दा चिन्ह किस लई वरत्या है? हकीकत नूं उजागर करन वालियां शक्तियां लई, भाव जागृत लोकां लई। अदालतां विच की हुंदा है? अगला प्रश्न है, अदालतां विच केसां नूं जाणबुझ के जो मुकदमे ने उन्हां नूं जाणबुझ के लमकाया जांदा हैगा, ते लोग उत्थे जाके फैसले उड़ीकदे ही बुढ़े हो जांदे ने। अगला प्रश्न, कवि अनुसार विदेशों में रोजी कमाउण लई गए लोगों के परतण ते की होवेगा? कवि अनुसार विदेशों में रोजी लई गए कई लोगों नूं तां माँ के मरण उत्ते आके उसके सिवे की अग सेकनी पवेगी। तो कई जो समय सिर नहीं पहुँच सकते उन्होंने मारन वाले माँ या प्यो के दुख विच उत्थे सिवियां या कमरां विच रुख हेठ बैठ के अपनी बेबसी उत्ते रोना पवेगा। अगला प्रश्न, कवि अनुसार किहड़े हरफ सदा कायम रहणगे? हरफ अखर है ना। कवि अनुसार इन्हां सियासतदानां ने अपने नावां दे जिहड़े संगमरमर दे पत्थर लाए ने वो सदा नहीं रहणे, उन्हां दे चित्र भी खुर जाणगे। इत्थे वह हरफ ही हमेशा कायम रहणे ने जिहड़े लोक आगूआं ने लोकां दी अगवाई करदे आ अपने हत्थां दे नाल हवा विच भी लिख दित्ते हन। तो कवि नूं किहड़ी गल अपना वहम जापदी है? कवि नूं इह गल वहम जापदी है कि उसके मरण मगरों कोई राज पलटा होण ते कोई उसकी कबर उत्ते दीवा जगावेगा, भाव उसके विचारां दी मानता होवेगी। जेकर जबर जुल्म की हवा इस तरह चलती रही तो उसनूं डर है कि उसकी कबर उत्ते तां दीवा की जगना, लोगों के घरों में भी दीवे जगते नहीं रहणगे। तो कुछ कहा तां हनेरा जरेगा किवें कविता किस कवि की रचना है? उत्तर है सुरजीत पातर। उम्मीद करती हैगी आ ਤੁਹਾਨੂੰ इस गज़ल के जोड़े अर्थ केंद्री भाव ਅਤੇ प्रश्नों के उत्तर चंगी तरह समझ लग गए होने। तो जेकर वीडियो चंगी लगी तो लाइक और कमेंट करो, अपने ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है शेयर करो। जेकर पंजाबी माँ बोली ਨੂੰ समर्पित इस चैनल तो पाइया जाने वाली वीडियोज़ ਤੁਹਾਡੀ पढ़ाई के लिहाज ਨਾਲ किसी भी तरह लाभदायक ਹੋਣ ਤਾਂ इस चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब भी करो ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।